हाय गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नेट के लिए रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं. सो वो आज ही से आउट होने थे, दैट इज़ 9 सितंबर. सो अगर आप एक नेट एस्पिरेंट हैं और आप रजिस्टर करना चाहते हैं नेट के लिए, तो आप NTA की वेबसाइट पर जाकर आज से रजिस्टर कर सकते हैं. सो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है. माय नेम इज़ मानसी आनंद एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे नेट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. सो गाइज, नेट के लिए रजिस्टर करने से पहले आपको नेट की वेबसाइट पर जाना होगा. तो आप सबसे पहले गूगल ऑन करेंगे और NTA की वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज़ NTA.NIC.IN. जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स के ऑप्शंस आ रहे हैं. एंड क्योंकि हम नेट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, इसलिए हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दैट इज़ UGC NET December 2019, जिस एग्ज़ाम के लिए हम रजिस्टर करना चाहते हैं. सो अब UGC NET का पेज खुल चुका है. एंड इसके बाद अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. तो अब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं. सो नेट के लिए रजिस्टर करने के कुछ प्रोसेसेस हैं जो सबको फुलफ़िल करने पड़ते हैं बिफोर यू कैन फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म. सो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पर. सो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर बॉटम कॉर्नर पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन. तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे. सो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल खुल चुका है. सो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आपको सारी बातें बताई गई हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है वो आपको यहाँ पर दी गई है. सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फ़ी दी गई है अलग अलग कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग. सो जो भी फ़ी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग चार्ज की जा रही है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो पे करना होगा. सो आगे आपको कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं. अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम आपको एक सिग्नेचर और अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जिनके साइजेस इस मैनुअल में मेंशन किए गए हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो स्कैंड फ़ोटोग्राफ होगी उसका साइज़ होना चाहिए बिटवीन 10 KB to 200 KB, और जो आपका स्कैंड सिग्नेचर होगा, आपके स्कैंड सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए बिटवीन 4 KB to 30 KB. सो आगे अलग अलग पेमेंट मोड्स दे रखे हैं कि आप कैसे कैसे पे कर सकते हैं. सो अगर आप यहाँ पर टिक करेंगे जहाँ पर लिखा है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो आपको यहाँ पर टिक करना है. एंड टिक करने के बाद आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर. सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका एक और विंडो खुल जाएगा, और इस विंडो में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कीजिए. आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है. जैसे ही आप सारी डिटेल्स को फिल करके सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे इस वेबसाइट पर. जो भी इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर एक SMS भी आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए. सो यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट कर चुके हैं. सो मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट कर लिया है, जिसके थ्रू अब मैं साइन इन करूँगी. सो जब आप भी ये जनरेट कर लेंगे, आप साइन इन कर पाएंगे. सो अब हम वापस चलते हैं. सो अब आप एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट कर चुके हैं, तो आप साइन इन कर सकते हैं. और साइन इन करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, और साथ ही जो पासवर्ड आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया, वो पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना होगा. सो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करने के बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एंटर कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे बॉक्स में दिखाया जा रहा है. सो जैसे ही आप ये तीन चीज़ें, दैट इज़ एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे, सो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी. सो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, और अब आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म. तो ये जो रेड कलर का ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो भी डिटेल्स आपने पहले फिल की थी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्ड है. सो आप चेक कर सकते हैं कि ये डिटेल सेम है या नहीं, और जो बाकी बची हुई डिटेल्स हैं जो यहाँ पे फिल्ड नहीं है, आपको उन्हें फिल करना है. सो जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेंगे, सो उसके बाद ऑप्शन आएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. बट
अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फिल करेंगे जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. सो उसके बाद आप सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप नेट में अप्लाई करना चाहते हैं. एंड उसके बाद आप अपनी एग्ज़ाम सिटी का चॉइस फिल कर सकते हैं जिस सिटी में भी आप एग्ज़ाम को देना चाहते हैं. सो अब जब आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं सो अब आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप अपनी डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हैं. आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो आपने डिटेल्स फिल की हैं वो ठीक हैं या नहीं. And if they are correct, then you can proceed. और अगर वो correct नहीं है तो आप उन्हें edit कर सकते हैं. So यहाँ पे आप अपनी सारी details को check कर सकते हैं. So एक बार जब आप अपनी details को check कर चुके हैं, आप इन सारे particulars की list में tick कर सकते हैं जो जो भी सही हैं. और उसके बाद आपको I agree पे click करना होगा. सो आई अग्री पे क्लिक करके आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए अगर आपकी सारी डिटेल सही है. सो अगर आपने कुछ भी गलत फिल कर दिया है, गलत टाइप कर दिया है या आपकी कोई भी डिटेल गलत है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा इस ऑप्शन जो आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाया जा रहा है, आप इस ऑप्शन पर जाकर अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं. सो फाइनल सबमिट. सो अब आप देख रहे होंगे कि आपने स्टेज टू भी कंप्लीट कर दिया है, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो चुका है. सो अब आपका जो तीसरा स्टेप है वो है इमेजेस को अपलोड करना, जिसमें आपको अपना फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर की एक स्कैंड और कंप्रेस्ड इमेज को अपलोड करना होगा. सो अब आप अपलोड इमेजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं. सो आप जिस भी डिवाइस से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके उस डिवाइस में ये फोटोज सेव्ड होनी चाहिए ताकि आप उन्हें अपलोड कर पाए. सो फोटोज़ का साइज़ मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ कि फ़ोटोज़ का क्या क्या साइज़ होना चाहिए. अगर इस साइज़ ब्रैकेट के बाहर है आपकी फ़ोटोज़ तो वो अपलोड नहीं हो पाएंगी, आपको उन्हें कंप्रेस करना पड़ेगा. आप किसी भी ऑनलाइन कंप्रेसिंग टूल का यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर सकते हैं. सो अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करने के बाद आपको फिर से एक सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा. उसके बाद आप इस ऑप्शन पर टिक कीजिए जिसमें लिखा है आई हैव वेरीफाइड इमेजेस केयरफुली एंड अपलोड पर क्लिक कर दीजिए. सो अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर इमेज अपलोड के सामने भी कंप्लीट लिखा आ रहा है, तो आपका थर्ड स्टेप दैट इज़ इमेज अपलोडिंग वो भी कंप्लीट हो चुका है. नाउ अब आपका लास्ट स्टेप बचता है एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट. सो अपनी एग्जामिनेशन फ़ी को पे करने के लिए जो ऑप्शन आपके पास बॉटम राइट कॉर्नर पे आ रहा है रेड कलर में, जिसमें लिखा है पे एग्जामिनेशन फ़ी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. आप ऑनलाइन पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर पेमेंट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी, आपका नेम आ रहा होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ी आ रही होगी, आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ. सो गाइज जैसे ही आप अपना लास्ट स्टेप दैट इज़ पेमेंट ऑफ फ़ी उसको कंप्लीट कर देंगे तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू विल बी रजिस्टर्ड फॉर टेकिंग नेट एग्ज़ाम. सो ये थे ऑल द प्रोसेसेस थ्रू विच यू कैन रजिस्टर फॉर नेट एग्जाम. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा. इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड फॉर मोर रिलेटेड कॉन्टेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे आपको नेट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.